हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अनिल कुशवाहा एंड यू आर वाचिंग अनिल स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद मैं एक चीज़ और बताऊँगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उनका भी भला हो जाए और वो भी अच्छे नंबर से पास हो चुके पास हो सकें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चैप्टर 6, जो आवर इंडियन, जो चैप्टर 6 है वो है आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। तो दोस्तों, ये चैप्टर है, तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं आर श्रीनिवासन। तो दोस्तों, राइटर्स नेम आप याद कर लीजिए सभी चैप्टर्स के। दोस्तों, आज इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की। सबसे पहले दोस्तों, हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो मैं बताया था जैसे मैंने पिछले वीडियो में, कि अब मैंने थोड़ा इसका वो चेंज कर दिया है, तो आप देख लीजिए। मैं क्वेश्चन बैंक आपकी स्क्रीन में लाने वाला हूँ। ये आ गया आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन बैंक। तो ये हैं शॉर्ट क्वेश्चन, इनका आंसर होता है, 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 करने होते हैं आपको, 25 वर्ड में आपको आंसर देना होता है। ज़रूरी नहीं कि आप गिन के 25 वर्ड में दीजिए, 25 से कम ना हो आपके। अब दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए अभी क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाई वाज ब्रह्मा सैड एंड हु हेल्प्ड हिम एंड हाउ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो इंपॉर्टेंट ग्रुप में अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन नंबर 1 है। तो व्हाई वॉज ब्रह्मा सैड, हु हेल्प्ड हिम एंड हाउ। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, व्हाई डिड सरस्वती गिव मैन म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 था इंपॉर्टेंट ग्रुप में, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। दोस्तों, 2 क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हु वॉज स्वामी हरिदास एंड जो दूसरा क्वेश्चन इसमें ज्वाइन है वो है, व्हाई डिड अकबर वॉन्ट टू मीट हिम। तो ये था तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इनको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं आप क्वेश्चन बैंक से याद करें, आपके टीचर लोगों ने लिखाया होगा, आप दूसरी क्वेश्चन बैंक से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड अकबर डू टू लिसन टू टू द ग्रेट सिंगर। व्हाट डिड अकबर डू टू लिसन टू द ग्रेट सिंगर। तो इसी को दूसरे तरीके से किस तरह पूछा जाएगा वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। हु आर स्वामी हरिदास, वेयर डिड अकबर गो टू लिसन टू हिज म्यूजिक। ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको आंसर वही लिखना है। आपको ये याद रखना है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। यदि आप इस तरीके से याद कर लिए इसका आंसर, आपने इसको नहीं देखा, आपने याद कर लिया इसको, इस क्वेश्चन को देख लिया, इस आंसर को देख लिया। अब आपने नहीं देखा इसको, आप पेपर में जाएंगे कहेंगे ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो आप बना के इसमें लिखेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो आप इसको भी नीचे देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें देखें तो 7 है, तो हमारा जो है वो उसमें 4 है। 4 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई वाज हरिदास म्यूजिक सॉलिड स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 5 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिखते रहता हूँ 5 क्वेश्चन नंबर 5। तो वाई वाज स्वामी हरिदास म्यूजिक सॉलिड स्ट्रिंग, तो आपको आंसर यहाँ से याद करिए या फिर आपके पास दूसरी क्वेश्चन बैंक होगी वहाँ से याद करिए, आप ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो लास्ट इस शॉर्ट क्वेश्चन का, इस चैप्टर का जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, व्हेन डिड स्वामी हरिदास सिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है और हमारा देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन डिड स्वामी हरिदास सिंग। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के थे। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये था क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन, ये अलग से ही आपको हाईलाइट हो रहे होंगे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। अब बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में जैसे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ब्रह्मा क्रिएट इन द यूनिवर्स, हाउ डिड सरस्वती हेल्प हिम। तो क्वेश्चन नंबर, इसी को दूसरे तरीके से किस तरह पूछा जाएगा मैं वो आपको बता देता हूँ। व्हाई डिड हिज
ओन क्रिएशन एपियर परपजलेस टू ब्रह्मा, हाउ डिड सरस्वती ट्राई टू रिमूव हिज सैडनेस। तो ये क्वेश्चन नंबर वन था। इसी को दोस्तों एक तरीके से आप पूछा जा सकता है जो आपको नीचे दिया हुआ है, वाई वॉज ब्रह्मा सैड, हु हेल्प्ड हिम एंड हाउ। तो ये तीन क्वेश्चन है जो आपको घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, आपको आंसर सेम लिखना है। तो व्हाट डिड ब्रह्मा क्रिएट इन द यूनिवर्स, हाउ डिड सरस्वती हेल्प हिम, व्हाई डिड हिज ओन क्रिएशन अपीयर परपजलेस टू ब्रह्मा, हाउ डिड सरस्वती ट्राई टू रिमूव हिज सैडनेस, व्हाई वॉज ब्रह्मा सैड एंड हु हेल्प्ड हिम एंड हाउ। तो ये पहला क्वेश्चन था जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, हुआ स्वामी हरिदास, व्हाई डिड अकबर वॉन्ट टू हियर हिम, व्हाई कुड ही नॉट कॉल हरिदास टू हिज कोर्ट, व्हाट डिड ही डू देन। उसके बाद दोस्तों इसी दूसरे तरीके से किस तरह पूछा जाएगा, व्हाई डिड अकबर एंड तानसेन गो टू द हिमालयास। दोस्तों जब वो नहीं आए हरिदास तो उनको हिमालय जाना पड़ा था। इसी को उसी तरह दिया हुआ है घुमा फिरा के आपको। इसमें दोस्तों देखिए क्वेश्चन कर रहा है, इसमें वही आंसर दिया तो आपको आंसर लिखना है। तो ये आपको किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको याद करना है ये दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन याद करिए आप, उसका आंसर तो आप याद ही कर लिए होंगे, नहीं याद किए तो अब याद कर लीजिए, अभी भी मौका है, अभी 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट हो, मतलब कि हमने अभी एक बताया, दो बताया, अब 3 बताने जा रहे हैं जो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, हाउ डिड तानसेन मेक हिज गुरु सिंग, एंड उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ज्वाइन है, तो व्हाई डू यू थिंक दिस रूल वॉज सो सक्सेसफुल। दिस रूल को ट्रिक भी इसमें लिखा हुआ है कि ट्रिक भी कर सकते हैं। तो हाउ डिड तानसेन मेक हिज गुरु सिंग, व्हाई डू यू थिंक दिस रूल वॉज सो सक्सेसफुल। इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट डिड तानसेन डू टू मेक हरिदास सिंग फॉर अकबर। तीसरे तरीके से कैसे पूछा जाएगा, डिड स्वामी हरिदास सिंग फॉर अकबर, हाउ वॉज अकबर विश फुलफिल्ड एंड व्हाट डज इट सो। इसी तीसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, डिड स्वामी हरिदास सिंह फॉर अकबर, व्हाट मेड हिम हाउ डिड ही डू इट। तो ये दोस्तों तीन चार तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि आपकी क्वेश्चन बैंक दूसरी है, यदि उसमें और करके नहीं है तो आप जोड़ लीजिए या फिर आप कहीं लिख लीजिए, आपको याद कर लेना है तो आप क्वेश्चन याद कर लीजिए किस तरह आपसे और करके पूछा जा सकता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन लॉन्ग के थे और 6 क्वेश्चन शॉर्ट के थे। दोस्तों इस वीडियो में बस यही बात करनी थी। दोस्तों आपको देखिए मैंने एक से चैप्टर फर्स्ट से, जो मैं प्रोस की बात कर रहा हूँ, प्रोस चैप्टर फर्स्ट से लेकर 6 तक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं शॉर्ट और लॉन्ग की। आप बात आती है पैसेज की तो मैं पैसेज और वर्कैप के सारे मिला के बता दूंगा। उसके बाद सप्लीमेंट्री और पोएट्री शुरू करना है, वो जल्दी शुरू होने वाली है। तो दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में फिर आगे वीडियो मिलेंगे। जय हिंद जय भारत दोस्तों।